तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे और टैबली में आज बात करेंगे, हम टैबलो के अंदर बात करेंगे कि हाउ टू फिल्टर द योर रिपोर्ट्स। हमने डेटा फिल्टर करना देख लिया, लेकिन हम रिपोर्ट फिल्टर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा फिल्टर करने से क्या होता है, हम एक्सेल में भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट बनाया तो रिपोर्ट को अपने ढंग से फिल्टर कर सके। तो मैंने एक्सेल की एक डेटा को लिया जो कॉमनली मैं लेता हूँ, और ये लोड हो रहा है। तो इसमें मेरे पास डेटा टैब है, तो मैं डेटा टैब को ड्रैग कर देता हूं या फिर डबल आ गया डेटा टैब। तो डेटा को समझ लेते हैं क्या है। ये हमारे पास सेल्स आईडी है, डेट है, सेल्स मोड है कि हमारे सेल्स ऑनलाइन सेल हुई है या किसी की रेफरेंस से, या फिर मेरा कोई एक्स कस्टमर ने खरीदा है, या फिर कोई जो एफिलेटेड है हमसे है, जिसको मैंने बेचने के लिए दिया हुआ है उसने खरीदा है, या फिर डायरेक्ट सेल हुआ, किस कस्टमर ने खरीदा है, किस स्टेट में खरीदा है, किस सिटी में, कौन सा प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, और उसका टोटल क्या है, टैक्स वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसी पे जाते हैं और हम यहाँ पे करते हैं कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने नेम यहाँ पे ले लिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया, और यहाँ हमने अमाउंट क्वांटिटी का टोटल हम कॉलम में रखते हैं, तो क्वांटिटी का टोटल आ गया और रिपोर्ट्स आपके सामने दिख रहा है। मैं सोमी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारा जो सेल्स मोड था, उस सेल्स मोड को उठाया और हमने इसको कलर में रख दिया, तो सेल्स मोड हमारा कलर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक माइनस में भी है, मतलब कि रिटर्न हो गया था, तो यहाँ पे माइनस पे दिया हुआ है, बाकी सब तो प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। इसमें हमने इसको कलर पे रखा, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे बता दिया कि इंदर ने सी डी इसने कस्टमर 107 दिख रहा है आपको, मतलब कि यहाँ पे आपको ये जो कलर्स हैं, जैसे कि रेड कलर कौन सा है, एक्स कस्टमर का है, उसके बाद कस्टमर एक डायरेक्ट का है, ये आपका एफिलेटेड का है। तो इस तरह से यहाँ पे हर बार पे जो भी सेल्स है, उस सेल्स बार पे उसने उनके कस्टमर्स की इस तरह से कलर को बांट दिया, राइट। जी लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे फिल्टर देना है, फिल्टर के हिसाब से देखना। तो मैंने यहाँ पे सेल्स मोड को हमने फिल्टर पर रखा, जैसे फिल्टर पे आप रखेंगे आपके सामने आएगा। ध्यान रखिएगा कि हम फिल्टर में जरूरी नहीं है कि हम अपने डायमेंशन को रखें, हम यहाँ से मेजर्स को भी रख सकते हैं। तो जिसके ऊपर आपको फिल्टर लगानी है उसको, उस टाइप को उठाइए और फिल्टर में रखिए, एक या एक से ज्यादा। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि सेल्स मोड को उठा के फिल्टर में रखा, जैसे ड्रॉप किया हमारे पास एक पॉपअप आ गया, ठीक है। तो जी तरह के फिल्टर होता है, जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशंस एंड टॉप। तो वन बाय वन हम इन चारों पे डिस्कस करेंगे, राइट। जी सबसे पहले हम जनरल पे आते हैं। जनरल पे हुआ क्या कि में जिस पे टिक, जैसे नॉर्मली फिल्टर में होता है, जिस पे भी हमने क्लिक किया हुआ है वो आपका फिल्टर दिखेगा। जैसे कि हमने जी ऑनलाइन और एफिलिएटेड को सिलेक्ट करके अप्लाई किया, एनओके किया, तो करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, साथ में यहीं पे आपको उसका समरी दिख जाएगा कि सेल्स मोड है, सिलेक्टेड टू है, टू ऑफ फाइव, वाइल्ड ऑल है, मतलब कि और क्या क्या लगा हुआ है, फिर कंडीशन वो दिया हुआ है। ओके करते हैं, जी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जस्ट दो रह गया है, एफिलेटेड एंड ऑनलाइन, और यहाँ पे दो कलर ही दिख रहे हैं, जी ठीक है। तो अब मुझे अपने फिल्टर को एडिट करना है, तो इसी पे क्लिक करते ही आपके सामने दिखेगा एडिट। इस पे वो एडिट फिल्टर पे गया। अब बात ये हो गया कि मैंने एफिलेटेड ऑनलाइन को तो देख लिया, अब मुझे इसके अलावा देखना है। तो चलिए यहाँ पे 4-5 ही हैं, जी हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ा डेटा हो,
बड़ा डेटा पे आप देखेंगे कि आपके अलग अलग बहुत सारे हों, तो क्लिक करना मुश्किल है। तो मुझे क्या करना है कि इनके अलावा, मतलब कि हम एफिलिएटेड एंड ऑनलाइन के अलावा जो इनका देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडेड करके का, जैसे आप एक्सक्लूडेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन को इसने, मतलब कि इनके अलावा आपका सारा यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है? ओके। विदाउट इसमें क्लियर है। तो एडिट फिल्टर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसको हटा देंगे तो वापस आएगा, ऑल करना है तो आपका यहां से दिख जाएगा। ठीक है। क्लिक करते हैं तो ठीक है। एडिट फिल्टर भी है, इसमें एक शो फिल्टर भी आता है। शो फिल्टर और जो डेटा है इसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिल्टर हाइलाइटर यहाँ पे देखिए आ गया कि आप अपने हिसाब से इसे फिल्टर लगा सकते हैं, दिख रहा है आपको सर? जी 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 अब यहाँ पे हमने आपने देखा कि मैंने दोनों घटाता हूँ, समझ में आया। अभी आपको जस्ट ए यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक से ज्यादा लगा सकते, सिर्फ एक को लगा सकते। वो हाइलाइटर है, क्लिक करते हो हाइलाइट करके देने का, फिल्टर तो नहीं लगाएगा, वो हाइलाइट कर देगा, हाइलाइट। लेकिन इसी पे मैंने यहाँ पे अगर शो फिल्टर पे क्लिक कर दिया तो मेरा फिल्टर यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं यही से फिल्टर, जी समझ गया, ठीक है। यस। दूसरा इसमें था हाइलाइट फिल्टर, तो यहाँ पे आपके सामने आप यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते, जैसे मैंने क्लिक किया था ना वो सिस्टम, आप यहाँ से भी कर सकते। एक इसकी बात है। तो यहाँ पे जैसे कि आप टाइप करोगे तो सर्च टाइप करने का सिस्टम है, आप बोलोगे सर हाईलाइट तो यहाँ से भी कर सकता था, इस पे क्लिक किया हाईलाइट हो जाए जी। लेकिन इसमें फायदा जी जी कि आपके पास जब बहुत ज्यादा से क्वांटिटी में आपके फिल्टर्स की क्राइटेरिया रहेंगे तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर फिल्टर सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देगा, यहाँ से हटा देगा। तो क्लियर फिल्टर करने के लिए जैसे कि आपने यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से ड्रॉप करके नीचे कर देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल फिल्टर के बारे में आप समझ गए जी। अब अगली कैटेगरी आती है हमारे वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में मतलब कि आपने एक्सेल में देखा होगा कंटेन विद, यस विद, वही फिल्टर है। जैसे मान लीजिए कि इसमें पास कई सारे नाम है तो मैं चाहता हूं कि कंटेन जिसमें डी आई आर लगा हो, हम इसको अप्लाई किया एंड ओके किया, तो यहां पे डी आई आर किसमें नहीं लगा हुआ है। ओके। आप चाहते कि स्टार्ट से डी आई आर हो, हमने सिलेक्ट कर दिया एंड अप्लाई। देखिए यहां पे आपका क्लियर रहता है, केस सेंसिटिव होता है। अच्छा, फिल्टर ऑन प्रोडक्ट, माफ कीजिएगा हमने गलत कर दिया, इसी कारण से ऐसा हुआ है। अब इसको हटाना है, हम सेल्स मोड पर रखते हैं, इसलिए तो नहीं दिख रहा था। हाँ, यहाँ पे हमने बोल दिया ई आई आर, इसको अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि सिर्फ मेरा डायरेक्ट वाला ही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं डी आई आर वापस रख रहा हूँ, लेकिन स्मॉल केस में रख रहा हूँ तो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक पिछले वर्जन में केस सेंसिटिव था, इसमें हट गया है सर। okay. यहाँ पे यहाँ हो गया, इसमें स्टार्ट बिट नहीं, स्टार्टिंग में डी आई आर होना चाहिए, एंड बिट होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच, मतलब कि आप चाहते कि एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए,
सही तो यहाँ पे जी आप जी यूज कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड और वैल्यू विद द इनपुट, और एक्सक्लूसिव कर दोगे तो डज नॉट कंटेन लग जाता है, डज नॉट स्टार्ट बिट, डज नॉट एंड बिट, मतलब कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड करने पे ए हो जाता है। क्लियर है? जी तो व्हाइल क्लियर। हाँ जी इसमें हम बात करते हैं, कंडीशंस में हम बात करते हैं, कंडीशन में बाय फील्ड। अब जैसे कि आपको कैलकुलेटेड कंडीशन चाहिए, राइट हम चाहते हैं कि क्वांटिटी, मतलब कि जिस डायरेक्ट सेल की क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का सम अगर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, उस पे हमने आज जी किया। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया जी, तो यहाँ पे उसी का दिखा है जिसका ग्रेटर देन फिल्टर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे एडिट फिल्टर में। एक तो आपने कंडीशंस में ग्रेटर देन 100 या ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल या मिनिमम या मैक्सिमम आप रख सकते हैं, ये तो हमारा फिक्स जी। की जगह पे आप एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह 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 कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि डेट जो हमारा डेट है तो वो हमारा जैन होना चाहिए जी, तो एक हमारा डेट नेम आता है ना सर, जी याद होगा डेट नेम, हाँ जी डेट नेम, और हमने यहाँ पे बोला कि मुझे चाहिए स्मॉल लेटर, ये भी याद होगा, और डेट कौन सा है तो ये हमारे पास डेट का कॉलम, ठीक है। इज इक्वल टू हमने बोल दिया जुलाई, पूरा मस्ट बी एग्रीगेट कैलकुलेटेड रेफर ओनली टू दिस फील्ड। ओ यहाँ पे ऐसी फॉर्मूला जो सम वगैरह करता हो, ये इस तरह के फॉर्मूले नहीं लेगा सर, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल एक बना के आपको बता दूंगा, उसके लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सम में क्वांटिटी हो, ठीक है, और उस यहाँ पे मान लो टैक्स निकालना है मुझे 18%, नहीं इसमें मुझे इसका ये करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कमीशन, तो हर हर क्वांटिटी का मान लीजिए मैं 10 रुपये देता हूँ, तो उन सबों का सम जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन तो फिल्टर। समझे? तो यहां पर ऐसे कराया है जिसको 10 से डिवाइड करने पे वो उसका सम जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन तो, समझे कि नहीं सर जी? तो ये आप कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। कंडीशंस के बाद हम नन कर देता हूं यहां पे, हाँ इसके आगे बढ़ते हैं हम टॉप पे। टॉप पे जैसे मुझे मान लीजिए टॉप 10 चाहिए, तो हमने बाय फील्ड कर दिया और हमने बॉटम बोला टॉप किया और हमने क्वांटिटी को ले लेता हूँ, टॉप 10 क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे टॉप 10 क्वांटिटी आएगी, ठीक है ठीक है। ठीक। मैं आप एक काम करता हूँ, टॉप 10 के जगह पे टॉप 5 करता हूं जी,
इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार मैं इसको हटाता हूँ, सारे फिल्टर हट गए, वापस मैं इस पे सॉन्ग। यहाँ पे सेल्स मोड पर रखता हूँ और इसमें हम टॉप पे आते हैं, फिल यहाँ पे क्वांटिटी सम और यहाँ पे टॉप 5 को लेते हैं एंड अप्लाई करते हैं। ये ऑलरेडी समरी है ही, क्योंकि हर हर नेम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना टॉप 5 में, इसलिए फॉर्मूला देना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया सम ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन तो फिल्टर समझ में आया आपको सर? जी हाँ, ये थोड़ा टॉप उसमें कंफ्यूजन है। अगर इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा आपको, एक मैं एक मिनट इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें से नेम को हटाता हूँ, यहाँ से पार्ट को रखता हूँ। इसमें से सेल्स मोड को भी हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एडिट फिल्टर टॉप, और यहाँ पे हमने और यहाँ पे टॉप 2 कर देता हूँ। दिखा सर? जी हाँ, आप दिखा। तो टॉप 2 के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा सिर्फ उसी उसी इसमें क्या बोले समझे, इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ अगर मैं आता हूँ शो फिल्टर, तो यहाँ पे देखो टॉप टू सम क्वांटिटी, मतलब कि इस एफिलेटेड की जो टॉप टॉप पर जो क्वांटिटी है उसी को यहाँ पे दिखाया, समझे जी? तो यहाँ से इसका यूज हुआ है, तो टॉप मतलब इसकी टोटल समर शोर्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है, उसी पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्टर समझ में आ गया। अब बात करते हैं पेजेस की। तो मैंने क्या किया, अपने इसको प्रोडक्ट को पाया और हमने इसमें रख दिया। तो इसमें रखने से क्या हुआ, यहाँ पे आप जो है अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके, मुझे डीवीडी का जो सेल चाहिए तो डीवीडी के अकॉर्डिंग आएगा, मुझे चाहिए एचडी के अकॉर्डिंग आएगा, समझ गए? ठीक है। सो फिल्टर यहाँ पे जी हाँ। यहाँ पे पेज रखते हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसको डैशबोर्ड यूज करूंगा तब क्या होगा? तो जैसे मैं डैशबोर्ड पे इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे फिल्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, ओके समझे? तो मैं यहाँ से अपने फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हम इसमें पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? आज की क्लास में हमने आपको सिखाया फिल्टर्स का इस्तेमाल, फिल्टर एंड पेजेस, एंड पेजेस का इस्तेमाल कर, ठीक है? अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स की, राइट सर।